अच्छा, ये मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो आपको नज़र आ रही है स्क्रीन? मुझे काइंडली बता दें ताकि मैं उस हिसाब से फिर स्टार्ट कर दूँ लेक्चर। कोई मैसेज कर दें ताकि पता चल जाए आपको नज़र आ रही है स्क्रीन। हेलो स्टूडेंट, कोई भी मैसेज कर दे ताकि अगर आपको स्क्रीन नज़र आ रही है तो मैं लेक्चर स्टार्ट कर दूं। अगर कोई मसलन मेरी तरफ से नेट का इशू है तो आप मुझे बता दें। चलें ठीक है, मैं स्टार्ट कर लेता हूं। अच्छा, सबसे पहले है आपको जो बाकी मैंने लेक्चर सर हुसैन के रिसेंटली मैंने देखे हैं, तो उनके अंदर जो टॉपिक्स कवर हुए हैं उसके बाद जो हम जिस टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं वो बनता है हमारा इमेज प्रोसेसिंग, सॉरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अच्छा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या है कि आप रिसेंट आप मसलन आप तो जिस कहते हैं कि फिलहाल जो ईरा या मसलन जो दौर चल रहा है वो है इंफॉर्मेशन का, बहुत ज़्यादा कि हर किसी के पास इंफॉर्मेशन है क्योंकि गूगल आपको फुल हेल्प करता है इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए। तो अगर हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को एक्सप्लेन करें तो वो है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रेफर्स टू द मैनिपुलेशन ऑफ डिजिटलाइज्ड इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर एंड अदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स नाउन एज कलेक्टिवली एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन जो हम हासिल करते हैं ये हम मोबाइल फोन से, कंप्यूटर से, गूगल से, किसी भी जगह से जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेस। और इंफॉर्मेशन प्रोसेस की चार फेजेस होती हैं जो इधर दी गई हैं। व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस किस तरह होती है? तो ये है कि चार टाइप से, कि इनपुट कहते हैं कि हम इंफॉर्मेशन को किसी की तरफ भेजना, किसी की तरफ इंफॉर्मेशन किसी की तरफ ट्रांसफर करना, मीन्स जिस तरह आप, और उसको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं हम दो तरीके से। एक तो होती है फिजिकली जिस तरह हम बोल के ट्रांसफर करते हैं, जिस तरह लेक्चर्स में हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, और दूसरी चीज़ होती है इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू, जिसको कहते हैं हम इनपुट, कि हम किसी भी चीज़ की इनपुट देते हैं और उसके बाद फिर प्रोसेसिंग होती है और फिर उसके बाद आउटपुट आती है और फिर स्टोरेज होती है। ये जिस तरह आप मोबाइल फोन यूज़ करते हैं उसके अंदर भी इसी तरह है कि इंफॉर्मेशन है जो वो सिंपल इनपुट, आप किसी भी चीज़ की इनपुट दें तो वो उसको आउटपुट देगा प्रोसेसिंग करके। लेकिन वो है ये है कि जो आप गूगल के ऊपर करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से इंफॉर्मेशन आपको देता है, आउटपुट देता है। अच्छा, फिर उसके बाद अब इसको अगर हम डायग्राम के थ्रू देख लें देखें तो ये आती है इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट और फिर स्टोरेज। अच्छा, काइंडली अपने यहाँ जब आप जो क्लास ज्वाइन करें तो अपने माइक बंद कर लें ताकि फिर लेक्चर में डिस्टरबेंस वगैरह ना हो। अच्छा, ये उसके बाद है आपकी इनपुट। अच्छा, इनपुट आता है कि इंटरिंग डेटा इन टू कंप्यूटर डिवाइसेस, और टिपिकली इनपुट डिवाइसेस ये आपकी हैं कीबोर्ड, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, बारकोड रीडर, ये तो आजकल यूज़ नहीं करते बारकोड रीडर, ये काफ़ी देर का है, या जॉयस्टिक हो गया, डिजिटल डाटा टैबलेट फॉर ग्राफिक ड्राइंग, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, इस तरह मसलन। अब ये जो दो तीन एग्जांपल्स हैं इनपुट डिवाइस यूज, इनपुट डिवाइस या इनपुट डाटा करने के लिए वो हम ये करते हैं इस्तेमाल, जिस तरह कीबोर्ड हो गया, माउस। माउस से ये है कि आप जब क्लिक करते हैं तो वो समझो आपका इनपुट डाटा है, पीछे जाके जो प्रोसेसिंग होती है, फिर उसके बाद आउटपुट मिलता है और फिर स्टोरेज होती है, ये प्रोसेस है। अच्छा, ये स्कैनर, जॉयस्टिक, ये भी जॉयस्टिक, ये आम तौर पर जो बच्चे हैं मसलन PlayStation 4 5 उसके ऊपर गेम्स वगैरह खेलने के लिए, तो ये भी एज अ इनपुट ही यूज होता है। अच्छा, उसके बाद प्रोसेसिंग, कि सीपीयू की प्रोसेसिंग किस तरह होती है और सीपीयू किस तरह प्रोसेस करता है। ये कि सिंपल जो सीपीयू है ये रजिस्टर्स के ऊपर बेस है, रजिस्टर्स होते हैं, उसके बाद ट्रांजिस्टर्स होते हैं, इस तरह काफ़ी ज़्यादा जो सिंपल सिंपल इनकी पार्ट्स हैं सीपीयू की प्रोसेसिंग में हेल्प करती हैं। अब चलो, अब ये कि थ्योरी के हिसाब से भी हम इसको पढ़ के देख लेते हैं सिंपल।
a centralized processing unit or something simply processor is the key component in digital computer capable for executing a program. अच्छा ये कह रहे हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेसर है वो एक की यूनिट के तौर पे यूज होता है जब हम किसी भी डाटा की एग्जीक्यूशन होती है किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है. प्रोग्राम अब सिंपल अभी आप तो चलो लॉ के स्टूडेंट्स हैं आईटी में प्रोग्राम होता है कि अगर आप प्रोग्राम लिखती हैं उसके बाद आप उसकी उसको प्रोसेस करते हैं उसके बाद आप उसकी आउटपुट लेते हैं तो ये एज एग्जीक्यूशन प्रोग्राम ये यही चीज होती है कि सबसे पहले प्रोग्राम को लिखना है उसके बाद प्रोसेस होना है फिर एग्जीक्यूशन प्रोसेस उसके बाद है इट इंटरप्ट्स कंप्यूटर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसेस डाटा कि ये इंटरप्ट्स होते हैं जो कीबोर्ड ये भी एज अ इंटरप्ट यूज करता है हम यूज करते हैं कंप्यूटर के अंदर माउस है वो भी एज अ इंटरप्ट ही यूज होता है कंप्यूटर के अंदर तो ये कि जब इंटरप्ट हम भेजते हैं अब ये जो हमारी कीज हैं कीबोर्ड के ऊपर ये भी एज अ इंटरप्ट ही यूज करती हैं तो ये है कि जब हम इंटरप्ट करते हैं कंप्यूटर को कि हमारा ये प्रोग्राम पहले करो कि जिस तरह आप सिंपल कोई गेम रन करते हैं गेम रन करके अब अगर आप उसको क्लोज करके कोई और चीज स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो क्लोज उसी वक्त हो जाती है दूसरी चीज स्टार्ट हो जाती है तो फिर बाद में ये है कि वो प्रोसेस डाटा की प्रोसेसिंग इस तरह से होती है CPU provides a functional digital computer trait by programmability. अच्छा जी, programmability. अच्छा, and are one of necessary component found in computers of any area along with the memory and input and output. अच्छा ये simple ये अब आप ये देखें कि सिंपल ये यही चीज बता रहा है कि आपकी किस तरह की प्रोसेस होती है प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर के अंदर अब सिंपल अगर आप कंप्यूटर को सिंपल देखें हाँ तो एज अ इनपुट हम कीबोर्ड और माउस को यूज करते हैं और आउटपुट जो हमें स्क्रीन पे शो होती है वो चीज होती है और उसके अंदर हमें हेल्प करती है मेमोरी मेमोरी के अंदर आ जाती है दो रैम और रोम दो किस्म की मेमोरीज हैं रोम होती है रीड ओनली मेमोरी और रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी तो ये है कि दो तीन चीजों की टाइप से यूज करते हैं इसको A CPU that is manufactured as a single interrupted. अच्छा ये सिंपल इसकी हिस्ट्री बता रहे हैं CPU की तो चलें अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं सिंपल अच्छा ये उन्होंने चिप्स बताई हैं हमें CPU की किस तरह की चिप्स हम यूज़ करते हैं चिप क्योंकि यह मैंने पिक्चर्स लगाई थी दोनों मैंने कहा ताकि बच्चों को पता चल जाए कि ये सिंपल चिप अब जिस तरह i5 है i3 है i4 है उसके बाद उसकी जनरेशन आ जाती हैं फर्स्ट जनरेशन सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह ये कंटिन्यू चलता जाता है अभी टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट इसी तरह होती है कि अपडेट ऐसा ऐसा होती जाती है टेक्नोलॉजी मुझे याद है जब हम सिंपल कोई फोर्थ फिफ्थ क्लास में थे तो तब तकरीबन पेंटियम 3 था कंप्यूटर हमारे पास तो हम कहते थे यार ये बहुत अच्छा कंप्यूटर है तो इस जैसा कोई नहीं है तब सिंपल गेम्स होती थी नीड फॉर स्पीड या इस तरह की लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी अपडेट होती गई तो वो अब कंप्यूटर पेंटियम 3 पेंटियम 4 के बारे में कोई पूछता भी नहीं है आपको पता है अच्छा उसके बाद है स्टोरेज स्टोरेज आर आल्सो एज अ मास मीडिया एक्सेलेटरी स्टोरेज रेफर्स टू द वेरियस मीडिया ऑन व्हिच अ कंप्यूटर सिस्टम कैन स्टोर डाटा अच्छा वो कह रहे हैं कि स्टोरेज एज अ डेटा स्टोरेज की टाइप से यूज करते हैं मतलब स्टोरेज अब आप देख लें सिंपल जिस तरह आपने स्टोर बनाया घर में सिंपल उसके अंदर आप अपने क्लोथ्स को स्टोर करते हैं उसी तरह डेटा को स्टोर करने के लिए मतलब मुख्तलिफ तीन चार तरह से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं उसके अंदर आ जाती है हमारी हार्ड डिस्क उसके बाद हम उसको सिंपल यूएसबी डिवाइस के अंदर फ्लॉपी डिस्क तो ये तो पहले आते थे पुरानी अब तो फिलहाल नहीं फ्लॉपी डिस्क अब तो तकरीबन जो सीडी रूम्स हैं आपके CDs का भी मसलन जो कहते हैं ईरा खत्म हो गया दौर खत्म हो गया अब तो फिलहाल आपको फ्लैश या फिर हार्ड डिस्क अब तो फ्लैश हार्ड डिस्क भी थोड़ी देर के बाद ये खत्म हो जाएगी इसके बाद आपका एज अ क्लाउडिंग मसलन क्लाउडिंग की तरफ लोग मूव कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की कि आपको जो डाटा वो ऑनलाइन स्टोर होगा क्लाउड पे और उसको आप वहां से ही एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही आसानी से अब तकरीबन जितनी भी रिसर्च चल रही है तकरीबन वो ज्यादा से ज्यादा लोग क्लाउड को प्रेफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू दूसरी चीजों क्योंकि उसके ऊपर वर्किंग अब हो रही है काफी ज्यादा अच्छा ये सिंपल ही उसके बाद है स्टोरेज डिवाइसेस है होल्ड प्रोग्राम्स एंड डाटा इन यूनिट्स कॉल्ड फाइल्स कि जो आप सिंपल जो देखते हैं कि आप फाइल बनती है किसी भी फोल्डर के अंदर आप इमेजेस वीडियोस गेम्स किसी भी तरह की फाइल बनाते हैं तो उसको फोल्डर के अंदर सेव कर देते हैं और उसका नाम अपने तौर से जिस तरह का मर्जी रख लें आप तो ये होता है आपने डाटा को फोल्डर के अंदर स्टोर कर दिया
उसके बाद है वाई स्टोरेज इज नेसेसरी, स्टोरेज आपके मसलन क्यों ज़रूरी है, तो उसके लिए रिटेन डाटा व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, कि आप जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो उस वक्त जब दोबारा चलाएं तो वो स्टोरेज आपकी उधर ही होती है, वो होती है परमानेंट स्टोरेज। एक होती है टेम्परेरी स्टोरेज। टेम्परेरी स्टोरेज ये है कि जब आप गूगल के ऊपर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वो आपकी कैशे बनती जाती है साथ साथ, तो जब आप उसको क्लियर करते हैं कैशे को तो वो साथ, फिर अब सिंपल जिस तरह देखें कि आप गूगल के ऊपर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो आप आधी चीज़ लिखते हैं तो जो आधी उससे पहले की है वो आपको पहले ही शो कर देता है, तो ये आप समझते हैं कि अच्छा ये काफ़ी ज़्यादा सर्च हुई। हालांकि ये होती है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो गूगल आम तौर पे यूज़ करता है, तो उनको पता होता है कि अच्छा लोग ये चीज़ टाइप करना चाहते हैं इस तरह की, तो हम उसको, तो वो होती है मसलन कैशी। जो परमानेंट स्टोरेज है वो आपकी होती है ये फाइल्स, मतलब परमानेंट स्टोरेज में आ जाती है आपकी हार्ड डिस्क भी आ जाती है, USB भी, कंप्यूटर भी, ये सारी आपकी परमानेंट स्टोरेज है कि हमेशा चीज को परमानेंट स्टोर रखते हैं, आप 5 साल बाद भी इन चीजों का एक्सेस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और चीपर देन मेमोरी, के सिंपल कि सस्ती चीज पड़ जाती है, जिस तरह USB है वो ज्यादा सस्ती है, जिस तरह आप अपनी स्टोरेज को बढ़ाते जाएंगे उस तरह से उनकी प्राइस भी अप होती जाएगी। प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग स्टार्टअप, के जब आप स्टार्ट करते हैं तो इम्पोर्टेंट रोल है उसका, कि कुछ विंडो किस वजह से उड़ती है, विंडो का सबसे मेन उड़ने का मसलन हम सिंपल यही कहते हैं विंडो उड़ जाती है, उसमें सबसे मेन रीजन ही विंडो का ये है कि जब कुछ लोकल डिस्क सी के अंदर जो फाइल्स हैं वो जब उनकी मसलन आप उनके साथ छेड़खानी करते हैं या कुछ उनके अंदर से चीजें ऐसी वायरस कुछ ऐसे होते हैं जिनको जो आपकी लोकल डिस्क सी को इफेक्ट करते हैं, तो फिर उसकी वजह से आपकी जो विंडो है वो उठ जाती है। लेकिन यह कि अगर आप मसलन सिंपल एज अ मसलन अवीरा एंटीवायरस या इस तरह के एंटीवायरस यूज़ करें तो वो फ़ायदेमंद देते हैं, कि आपके एंटी कंप्यूटर को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं जो दूसरी फाइल्स हैं उनकी नस्बत। और उसके बाद आर नीड फॉर आउटपुट, के अच्छा तीसरी चीज़ आ जाती है हमारी आउटपुट। आउटपुट क्या है, आउटपुट में क्या चीज़ आ जाती है, आउटपुट डिवाइसेस आर पेरिफेरल डिवाइसेस दैट इनेबल यूज टू व्यू और हेयर द कंप्यूटर्स प्रोसीड डेटा। विजुअल आउटपुट है टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड वीडियोस, और ऑडियो आउटपुट है साउंड, म्यूजिक एंड सिंथेसाइज स्पीच। अच्छा ये आपकी आउटपुट डिवाइसेज में ये चीज़ें। अब सिंपल आप देखेंगे, आपने इनपुट कंप्यूटर